अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चटपटा तला हुआ गोश्त रेसिपी। तो ये रेसिपी बकरीद के लिए भी कह सकते हैं, इसको बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो तला हुआ गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तो तला हुआ गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है 300 से 400 ग्राम के आसपास बोनलेस गोश्त। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको गोश्त को कुक कर लेंगे। तो एक पैन में डाल देंगे गोश्त को। गोश्त को पहले उसी के पानी में पका लेंगे। इसको अच्छी तरह तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जब हम तला हुआ गोश्त बनाते हैं तो ये गोश्त तला हुआ, जैसे कि इसकी जो बोटियाँ होती हैं वो सख्त हार्ड हो जाती हैं, करारी। तो इसलिए इसको पैन में बनाना ठीक होता है, ताकि इसकी परफेक्ट रेसिपी बने। अब जब गोश्त को गर्म कर लेंगे तब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आधी चम्मच जितना नमक यहाँ पे मैंने डाला है। और गोश्त को अच्छी तरह से गर्म करते जाएंगे। पहले ये गोश्त का जितना भी पानी है वो सारा पानी को सुखा लेंगे। जब ये पानी सूख जाए इसके बाद पानी ऐड करेंगे दूसरा वाला। एक गिलास के करीब पानी डालेंगे। पानी डाल के अब यहाँ पे गोश्त को जो है गला लेने के लिए रख देंगे। तो इस तरह जब हम गोश्त को पकाएंगे तो इसकी बोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती हैं, यानी इसमें जो एक फ्राई किया हुआ टेस्ट आता है वो इसी से आता है। इस तरह से इसको बनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त का पानी जो है पूरा सूख चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है। अब यहाँ पे हम इसको इसके सारे पानी को जो है सुखा लेंगे और चेक करेंगे साथ ही कि ये बोटियाँ जो है गली है या ना गली नहीं गली है। अगर यहाँ पे बोटियाँ ना गलें तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से इसको जो है पका ले सकते हैं। तो ये देखिए इसकी बोटियाँ जो है अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो जब गोश्त गल जाए तो यहाँ पे गोश्त को तल लेंगे। तो इसी पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को जो है इस गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गोश्त को इस तेल में तल लेना है। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना आ जाए। मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इस गोश्त को तल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसकी बोटियाँ जो है अच्छी तरह से तल चुकी हैं, फ्राई हो गई हैं और इसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन ब्राउन भी आ गया है। इस स्टेप पे यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे मसाले। फ्लेम को लो रखते हुए सारे मसाले डालते जाएंगे, जिसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। तो नमक हमने शुरुआत में भी डाला था, उस हिसाब से आप नमक यहाँ पर चख के ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक चौथाई चम्मच जितनी काली मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा उसको क्रश कर लेंगे। क्रश करके इसमें डालेंगे। अब इन सारे मसालों को जो है तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को थोड़ा सा फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट के लिए बस काफ़ी होगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बीच में से कट कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे और 10 से 12 जो है कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को इस गोश्त के साथ अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम रखते हुए ही इस सारे प्रोसेस को करना है यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था 3/4 चम्मच जितना। तो जब मैंने पेस्ट ऐड किया था बाय मिस्टेकली मेरा कैमरा जो है ऑफ हो गया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लें और इसमें डालेंगे लास्ट में 1/2 नींबू का रस। आपको जितना खट्टा इसमें खाना पसंद हो आप उतना जो है नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। नींबू का रस डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे और ये डिश को जो है सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म आप रोटी के साथ सर्व कर लें। तो ये रेसिपी जो है ईद के मौके पे आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, चटपटी सी एकदम तीखी वाली जो है
रेसिपी बनके तैयार होती है। तो ये मशहूर हैदराबाद का तला हुआ गोश्त की रेसिपी है, तो इसको भी आप इसी मेथड से बनाएं, परफेक्ट बनेगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।